नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत यूपी बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी भाषा के पाठ संख्या 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वित करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIEI के कई नवाचारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वित करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा को एक अंग्रेजी अमेरिकन लेखक, जो कि बहुत फेमस लेखक हैं, जेम्स थर्बर की एक रचना है जिसका शीर्षक है मैनी मून्स, का हिंदी रूपांतरण किया गया है। साथ ही इसमें विदूषक की चतुराई का भी वर्णन किया गया है। नवाचार की नवीनता और उपयोगिता क्या है? इस नवाचार की नवीनता यह है कि बच्चे कंसेप्ट से संबंधित उदाहरणों को लेते हुए निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश से कई उदाहरण ग्रहण करते हैं, अपना अनुभव करते हैं और उन अनुभवों के माध्यम से गृह कार्य करते हैं। पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 30 मिनट है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया की जहाँ तक बात है, तो बच्चों को शब्दावली और वाक्य संरचना आसानी से सिखाई जा सकती है। पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन आवश्यक नहीं है। पुनः अध्ययन में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वाक्य संरचना, शब्दावली, ये सारी जानकारी जो बच्चों को पढ़ा दी गई है, वही बच्चों से गृह कार्य में करवाकर उसका पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। इस बात को विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि पुनः अध्ययन की प्रक्रिया से पहले प्रस्तुत पाठ को पढ़ा दिया गया हो, उसका निर्माण और व्याख्या करवा दी गई हो, ताकि छात्र इसके गृह कार्य को घर पर कर सकें। छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि आप अपने अभिभावकों की सहायता लेते हुए पाठ में प्रयुक्त हुए नए कठिन शब्द लिखेंगे, उनका अर्थ पूछेंगे और आसपास के परिवेश के उदाहरणों को लेते हुए उन वाक्यों का एक एक सेंटेंस भी, मतलब उन शब्दों का एक एक वाक्य भी बनाएंगे। बच्चे जब इस बात को ध्यान में रखते हैं, शिक्षक द्वारा निर्देशों को ग्रहण करते हैं, अपने घर से गृह कार्य पूरा करके लाते हैं, तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं। जैसे बच्चों को कहा गया कि आप कठिन शब्द लिखकर और उनका वाक्य में प्रयोग करके लाएंगे और उसका अर्थ भी लिखेंगे। जैसे बच्चे ने एक शब्द उठाया, लबादा। अब इस लबादा शब्द का अर्थ है कि लंबा और भारी भरकम यूनिफॉर्म या ड्रेस। अब उस लंबा और भारी भरकम पहनावा से संबंधित बच्चे को कई उदाहरण देते हैं उनके गार्जियंस, फिर बच्चा वाक्य में प्रयोग करता है, जैसे मैंने आज लबादा पहने हुए एक आदमी देखा। इस प्रकार से बच्चे अपने घर से नए शब्द, उनका अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करके लाते हैं। सबसे बड़ी चीज, इसमें कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए जाते हैं। जैसे बच्चे दूसरों के द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। बच्चों ने पढ़ी हुई जो भी जानकारी होती है, अपने निजी अनुभवों के साथ में सामंजस्य बैठाते हैं, अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। यह अभिव्यक्ति लिखित और मौखिक दोनों रूपों में होती है। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए शब्दों को, उनके संदर्भ को समझकर अपने मन में उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। भाषा की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए वे अपनी भाषा को और मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ नन्ही बच्ची और चंद्रमा, नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा को प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह में पढ़ाया जाता है। साथ ही इनको जो गृह कार्य दिया जा रहा है, वो प्रयोगात्मक और उनके लिए अनुभवात्मक होना चाहिए। बच्चे स्वयं दिए गए उदाहरणों का पता करके, दिए गए वर्ड्स का पता करके एक निष्कर्ष निकाल सके, वाक्य बना सके, कुछ ऐसा उनका गृह कार्य होना चाहिए। इस
नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। इसमें पीटीआर अनुपात को ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको भी इस नवाचार के क्रियान्वयन से लाभ प्राप्त होता है। बच्चों में कई जीवन कौशल का विकास होता है, जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण। इस प्रकार से बच्चों के अंदर इन जीवन कौशल का विकास होता है और कई निहित मूल्य भी सीखते हैं, जैसे सहयोग, पारस्परिक संबंध, साहस, उत्तरदायित्व। ऐसे जीवन कौशल के साथ निहित मूल्यों का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।